हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी हुंडई क्रेटा और इस क्रेटा में आज एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है? एक नॉइस की प्रॉब्लम है, अनवांटेड नॉइस जो गाड़ी चलते समय आती है। लेकिन आपके पास क्रेटा हो या कोई और गाड़ी, प्रॉब्लम ऐसे ही चेक होगी, सोल्यूशन यहीं से निकलेगा। और दूसरी चीज, ये प्रॉब्लम आई क्यों है वो भी इस वीडियो में इंक्लूड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो आपको जानना ये जरूरी है कि कैसी नॉइस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अनवांटेड नॉइस। ये चलते समय आपको कैसे फील होगी, मैं इसको लेता हूँ टेस्ट ड्राइव में आपको दिखाता हूँ। आवाज कैसी है एक बार वो चेक कराता हूँ, ये देखेगा अभी नॉर्मल है। एसी भी बंद कर देता हूँ, जैसे ही रेस दूंगा न्यूट्रल कर दिया मैंने और अभी भी आवाज आ रही है, एक हमिंग जैसी नॉइज आती है घूम करके। और कभी कभी जब तेज चलती है तो ऐसा फील होता है जैसे कि स्कूटर के साइलेंसर से आवाज आती है, लगभग उस टाइप की दबी हुई आवाज। जैसे स्लो करूंगा आवाज धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब ये जो नॉइस थी गाड़ी के फ्रंट से आ रही थी, लेकिन कहां से, लेफ्ट से या राइट से, ये कंफर्म करना मुश्किल है एक आम इंसान के लिए। लेकिन नॉर्मली जब मैंने गाड़ी को चलाया तो मुझे ऐसा फील हो गया कि ये जो नॉइस आ रही है ये गाड़ी के राइट साइड से और फ्रंट से आ रही है। और नॉइस किस तरह से है, स्पीड को बढ़ाने पर बढ़ती है, स्पीड घटाने पर घटती है, और एक टाइम जब ओवर स्पीड हो जाएगा तो हल्की सी कम होने लग जाती है वो। अब इस तरह की नॉइस होती क्यों है ये दिखा देता हूँ। गाड़ी के अंदर आ गया मैं और गाड़ी को कर लेता हूँ एक बार स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट, हैंड ब्रेक लगा हुआ है, न्यूट्रल पोजीशन पे है। एक बार कैमरा माउंट कर देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आप इस नॉइस को सुन पाए। मुझे जो डाउट है वो नॉइस का, वो इस व्हील से है, इस व्हील से रिलेटेड है। तो उस व्हील की आवाज है कैसी है, तो उसके लिए मैंने देखिए व्हील को लिफ्ट कर दिया है प्रॉपर स्टैंड पे। ये कैमरा लगा दिया मैंने, व्हील फ्री है। अब मैं जाता हूँ गाड़ी के अंदर और इस व्हील को घुमाता हूँ। अब आप देखिएगा कि नॉइस आते कैसी है। मैंने उस तरफ का ऑलरेडी चेक कर लिया है, मुझे पता है कि नॉइस यहीं से है, वो आप देख लो। गाड़ी को मैंने डाल दिया है फोर्थ गियर में और धीरे धीरे क्लच छोड़ रहा हूँ। मैं जल्दी से आ गया बाहर। सुनी आपने ये नॉइस? और अगर फिजिकली वैसे ही चेक करना हो हमको, देखिए हमको ऐसे फील हो जाएगा क्योंकि हम इससे जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, तो हमें अंदाजा है कि ऐसे ही फील आ जाएगा। लेकिन आप इस तरह से बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि नॉइस कितनी इरिटेटिंग है और कहां से आ रही है। अभी देखिए मैं इसको घुमाता हूं, अगर मुझे यहां भी फील हो रही है। अब ये नॉइस किस चीज़ की है ये बता देता हूँ। ये नॉइस आ रही है इसके व्हील बैरिंग से। व्हील बैरिंग में पहले नॉइस नहीं थी, ख़राब क्यों हुआ ये भी बता देता हूँ। कई बार तो ये व्हील बैरिंग हमारे टाइम के हिसाब से ख़राब होता है, अप्रोक्स 1,00,000 किलोमीटर तक हर गाड़ी का चले जाता है, इसके बाद ही किसी का ख़राब होता है। इस गाड़ी का जल्दी ख़राब हुआ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, कभी आप भी वो मिस्टेक ना करें, इसके लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस गाड़ी का ये देख रहे हैं ड्राइव शाफ्ट यानी कि एक्सल, ये एक्सल चेंज हुआ रास्ते में, मुकुल भाई ने इसको चेंज कराया। लेकिन चेंज करने वाले पर्सन ने क्या किया, इसका जो यहाँ पे नट होता है इसको टाइट करने के लिए हब के साथ कंप्लीट टाइट नहीं किया, लूज रहने दिया। अब जब वो नट लूज रहेगा
तो हब को प्रॉपर प्रेशर नहीं मिलेगा, दबाव नहीं मिलेगा, फ्री चलेगा। फ्री चलने के पोजीशन में जब भी गाड़ी टर्न करती है, चलती है, वाइब्रेशन उसके अंदर आता है और उसी वाइब्रेशन से ये जो व्हील बैरिंग है ख़राब हो गया है। इन केस कभी आपके साथ ऐसा केस होता है, कुछ काम कराते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि जब भी ड्राइव शाफ्ट निकलिए तो उसके ये बोल्ट मेक श्योर कि पूरी तरह से टाइट हो। अगर खुद कर रहे हैं तो टाइट करेंगे, और नहीं काम करवा रहे हैं कई बार तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। फिलहाल अभी मैं इस व्हील बेयरिंग को करूंगा चेंज, लेकिन ये एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें कि आप समझ पाएं कैसी नॉइस होती है, किस तरह से आती है और किन गलतियों से ये बड़ा नुकसान हो जाता है। तो अभी व्हील बेयरिंग को रिप्लेस करने का तरीका और कौन सा व्हील बेयरिंग मैं यूज करूंगा वो आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा, और मन में कुछ सवाल आता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।